प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ के स्वप्न को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश अपने संकल्प के साथ देश के अन्य प्रमुख राज्यों के लिए आदर्श बनकर सामने आया है। मध्य प्रदेश में कचरा प्रबंधन क्षेत्र में प्रदेश की आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार किया गया है। प्रदेश में शहरी गीले कचरे से बायोगैस बायो सीएनजी बनाने के लिए बहुउद्देशीय इकाइयों की स्थापना के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया। गीले कचरे से बायोगैस अथवा सीएनजी निर्माण के लिए पृथक्कृत रूप से कचरा संग्रहण प्रमुख आवश्यकता है। इसके लिए नगरी निकायों में 5,423 कचरा संग्रहण वाहनों से 100% आवासीय और सार्वजनिक क्षेत्रों से कचरा संग्रहण किया जाता है। सर्वप्रथम साल 2018-19 में इंदौर के चोइतराम सब्जी मंडी से निकलने वाले गीले कचरे से 20 टन प्रतिदिन और कबीर खेड़ी में 15 टन प्रतिदिन बायोगैस निर्माण के लिए इकाइयों की स्थापना की गई। इसमें से 14,05,00,000 रुपए की राशि का निवेश पीपीपी आधार पर किया गया है। इसके अलावा इंदौर, देवास, उज्जैन और भोपाल शहरों में 127 मैट्रिक टन प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता की बायोगैस इकाइयों की स्थापना की गई। भोपाल में कुल 17.5 मैट्रिक टन गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए 5 लघु इकाइयों की स्थापना की गई। उज्जैन में बायोगैस द्वारा विद्युत निर्माण के लिए 5 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता की इकाई स्थापित की गई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर देवास में एक लघु इकाई की स्थापना की गई है। और वेस्ट टू वेल्थ का जो मंत्र है प्रधानमंत्री जी का, उस पर भी मध्य प्रदेश पूरी गंभीरता से अमल करने का प्रयत्न कर रहा है। और उसका एक उत्तम उदाहरण आज का गोवर्धन सीएनजी बायो प्लांट है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मंत्र को इंदौर के साथ साथ वेस्ट टू वेल्थ भोपाल, जबलपुर, रीवा, अनेकों शहर उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में इंदौर नगर निगम द्वारा देव गुराड़िया में 550 मैट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता का गोबरधन बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किया गया। इस इकाई से लगभग 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी और 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना को एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड और जर्मन कंपनी प्रोवेब्स के साथ पीपीपी मॉडल आधार पर बनाया गया है। इसी के साथ भोपाल के आदमपुर क्षेत्र में 400 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता की बायो सीएनजी इकाई निर्माणाधीन है। इसमें 80 करोड़ का निवेश किया जाना है। इसके लिए भोपाल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड संस्था से अप्रैल 2022 में पीपीपी मॉडल पर अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध में 15 माह की समय सीमा में इकाई का संचालन प्रारंभ किया जाना है। इंदौर के महत्वाकांक्षी मॉडल की सफलता को प्रदेश के अन्य छोटे बड़े नगरीय निकायों में क्रियान्वयन किए जाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम ग्वालियर में 7,000 गौशालाओं से प्राप्त होने वाले गोबर को कचरा प्रसंस्करण संयंत्रों में उपयोग कर बायोगैस निर्माण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा और अन्य प्रमुख शहरों में गीले कचरे से बायोगैस निर्माण के लिए लघु परियोजनाएं बनाने के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज़।